विस्मोहिनी कोई कहे हाँ महाराज इसके लिए क्या है क्या करना पड़ेगा कहे आपका रूप चाहिए आप रूप दे दो। भगवान ने कहा किसी संत को हम रूप दें तो उसका वो ये दुरुपयोग करे कि शादी कर ले क्यों भाई संत को हम अपना रूप दें। अच्छा एक बात बताओ भगवान ने ही अपना रूप दिया हमें कि नहीं दिया तभी तो तुम भगवान के रूप में देख रहे हो। अच्छा किस रूप में देख रहे हो जल्दी बोलो भगवान के रूप में देख रहे हो कि नहीं यही तो कहते हो कि संत भगवान भगवान बैठे हैं। बहुत से भावुक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि भगवान बैठे हैं हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं क्यों भगवान ने रूप दिया है मुझे ये तिलक स्वरूप बोलो किसका धारण किया है यही तो भगवान का रूप है इसको हटा दिया जाए तो फिर काय का भगवान का रूप है ये भगवान का रूप है। अब भगवान ने अपना रूप दिया है तो किसके लिए दिया है नारी को प्राप्त करने के लिए नहीं नहीं नारायण को प्राप्त करने के लिए इसी रूप के माध्यम से हमें नारायण प्राप्त होगा। नारायण को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए नारद मेरा रूप मांग रहे हो नारी को प्राप्त करने के लिए कहे महाराज नारायण तो आप मिल ही गए हो मिल ही गए हो तो कहे तुम किसके साथ विवाह करना चाहते हो कहे विश्वमोहिनी नाम की कन्या के साथ। अब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की ओर देखा तुम्हारे बेटे की बुद्धि खराब हो गई देखो क्या कह रहा है। लक्ष्मी जी बोली ऐसा है कि इसको आप थोड़ा ठीक कर दो है ना इसकी बुद्धि को आप ठीक कर दो बुद्धि तो खराब हो गई है लेकिन आप ठीक कर दो। भगवान ने कहा कि मुझे ही ठीक करना पड़ेगा मेरा ही तो बालक है करूं सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राख है मातारी। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है जाओ जाओ हम रूप दे रहे हैं मांगा था सुंदर रूप दे दिया बंदर का रूप। अब बंदर का रूप लेकर के नारद जी गए प्यारे सावधानी से सुनना विस्मोहिनी ने स्वीकार नहीं किया। बहुत लंबी कथा है भगवान ने विस्मोहिनी को स्वीकार कर लिया और विस्मोहिनी ने भी भगवान को स्वीकार कर दिया। विस्मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दी जल्दी कि नहीं और भगवान लेके चले गए। नारद जी जब बीच में मिले तो बहुत सारी बातें हुई। नारद जी ने कहा एक बात बताओ प्रभु आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। भगवान बोले इसलिए सीधी सी भाषा बोल दी। भगवान ने कहा तुम बाबा थे तो बाबा का विवाह ठीक होता है। बोले एक बाबा का विवाह जो कर नहीं रहा था बाबा उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया और मैं करना चाहता था तो मुझ बाबा को रोक दिया। भगवान बोले किस बाबा का। बोले भोले बाबा शादी नहीं करना चाहते थे दूसरी लेकिन आप गए और अनुरोध करने लगे मम विनती अब सुनो सु जो मोह पर निज ने तो जाए विवाह सहले जाए यह मोह मांगे देव। भोले बाबा शादी नहीं करना चाहते थे दूसरी क्योंकि सती के मरने के बाद तपस्या करने लगे तो दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं था लेकिन आप स्वयं गए और आपने जबरदस्ती शादी करा दी तो भोले बाबा कराना नहीं चाहते थे आपने भोले बाबा की शादी जबरदस्ती करा दी और मैं नारद बाबा शादी कराना चाहता था आपने जबरदस्ती रोक दी शादी ऐसा क्यों। भगवान ने कहा भोले बाबा पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ ना और पार्वती जी ने जो तपस्या की है वो एकमात्र भोले बाबा के लिए ही की है। क्यों भाई की कि नहीं। जन्म कोटि लग रगर हमारी ओ बरों संभूलत रहूं कुआरी। तो पार्वती जी ने भोले बाबा के लिए ही तपस्या की। भोले बाबा को पति के रूप में वरण करने के लिए ही तपस्या की। तो ये तो पार्वती जी की तपस्या का फल है कि उन्हें भोले बाबा मिल गए। लेकिन तुमने विस्मोहिनी को वरण करने के लिए तपस्या की थी क्या जल्दी बोलो। विस्मोहिनी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी पहले ये बताओ।
कहे नहीं ये तो बीच ही में विचार बन गया है पहले ही, क्यों मैं इस उद्देश्य को लेकर के नारद जी ने तपस्या नहीं की थी कि मुझे तप के प्रभाव से विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए, बल्कि तपस्या का इतना प्रबल प्रभाव हुआ नारद जी के कि कामदेव पराजित होकर के चला गया। बोलो चला गया कि नहीं, काम को जीत लिया कि नहीं जीत लिया, तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ये विचार बीच में आ गया कि विश्व मोहिनी मुझे मिल जाए। ठीक है, अगर विश्व मोहिनी मिल जाए ये विचार आया था तो वैसे तो मेरा एक दृष्टिकोण है। क्या? नारद जी ने कहा क्या दृष्टिकोण है आपका? भगवान बोले मेरा दृष्टिकोण है जननी सम जानहुं पर नारी ओ धन पराओ विष ते विष भारी। नारद जी ने कहा एक प्रार्थना में कर रहा हूं आपसे, विश्व मोहिनी तो कुमारी है, अभी वो कुमारी है, विवाह के बाद उसका नारी का स्वरूप बनता है, क्यों भाई बनता कि नहीं? तो मेरी दृष्टि तो कुमारी के ऊपर गई, नारी के ऊपर गई ही नहीं, कुमारी के ऊपर मेरी दृष्टि गई। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा है आप एकांत में जाके ठीक से समझा दो, मेरे सामने मत समझाओ। लक्ष्मी जी साथ में थी जो मिले नारद जी, पूछे तो वहीं तो थी, कहे आप थोड़ा सा समझा दीजिए एकांत में जाके, मेरे पास मत समझाओ। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, लेकिन लक्ष्मी जी चिंता मत करो, आपके सामने भी समझा दें तो कोई दिक्कत की बात तो समझा दो। भगवान ने कहा बात यह है, कुमारी और नारी की बात नहीं है, बात यह है कि तुम महतारी के साथ विवाह करना चाहती थी। ये नारी और कुमारी की बात छोड़ो। नारद जी बोले महतारी? भगवान बोले हाँ। कैसे? कह किसके साथ विवाह कर रहे थे? कह सरकार विश्व मोहिनी के साथ। विश्व मोहिनी का अर्थ क्या होता है? कह विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली। अर्थात? नारद जी बोले अर्थात माया। बोले माया कौन है? नारद जी बोले माया वो तो आपकी पत्नी है। भगवान ने कहा तुम्हारी कौन हुई जल्दी बोलो? कहे हमारी माता हुई। तो तेरा दिमाग खराब था क्या? बस तुरंत ही भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोलो गिर पड़े कि नहीं गिर पड़े? नारद जी गिर पड़े कि नहीं भगवान के चरणों? ये माया मेरी वर्णी है, यही विश्व मोहिनी है, वो तुम्हारी माया माता होती है। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजत जग पालित हरित रुख पाए कृपा निधान की। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। ये जानकी जी क्या है? भगवान की माया है। ये विश्व मोहिनी क्या है? भगवान विष्णु की माया है। बोलो है कि नहीं? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी मेरे हृदय में निवास करती है। नारद लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। नारायण के हृदय में लक्ष्मी का निवास है। हे नारद तुमसे भूल हुई, तुमने स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब क्या चाहते हो? कहा हे प्रभु और कुछ नहीं चाहता हूं, आपके हृदय में लक्ष्मी का निवास है, आप लक्ष्मी के सहित नारद के हृदय में सदा निवास करिए, तभी नारद का कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि मैं एक जगह रुकता नहीं हूं, चलता फिरता रहता हूं, अगर आपने मेरे हृदय में निवास किया होता तो ये विचार ही नहीं आता और ये बेकार भी नहीं आता। बस भूल यही हुई है कि मैं भ्रमण तो करता रहा, हरि नाम जपता भी रहा, लेकिन हृदय खाली रहा, हृदय खाली रहा। अगर हृदय में आपको विराजित कर लेता तो फिर ये विकार नहीं आता और ना ही ये शादी का विचार आता। तो अर्थ इसका ये है कि जब भी यात्रा करो तो वाणी से भगवान का नाम
आप कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र में प्रवेश करें तो वाणी से भगवान का नाम भले ही जोर जोर से न चिल्लाए, मन ही मन लें।